वालेकुम, वेलकम। कल सुबह या गधे की तरह अपना साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ेबा ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो ब्लॉगिंग अभी हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे घर में आए हैं गेस्ट, तो अभी नाश्ता, पहले सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ते में हम क्या बना रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। हम बना रहे हैं सिर्फ दो पराठे, मेरे हस्बैंड को ही और मेरी बहन लोग आए उनको चाय। हम कल मुर्गी का सालन बनाए थे, कड़क पाव मंगा कर खाएंगे। चावल आज हम फिर बनाने जा रहे हैं सीख बिरयानी। तो हमने गरम मसाला, प्याज और हरा मसाला इसमें ऐड कर दिए हैं। इधर हमारी सीख फ्राई हो रही है, ये देखिए इस तरह हमने सीख इसको बना दिए थे, ये फ्राई कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको कट करेंगे, ये मसाला थोड़ा भून जाए तो फिर हम इसमें सब मसाले हमारे ऐड करेंगे, दही वगैरह। तो देखिए हमने सीख वगैरह सब डाल दिए है, इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। और देखिए काफ़ी तेल ऊपर आ गया है और बटर भी इसमें ऐड करी थी मैंने। और ये देखिए चावल मैंने निथार के निकाल ली थी, ये देख सकते हैं आप। पहले नहीं है तो मैंने दो हिस्से में इसको चावल को बॉईल करी हूँ। अब ये भी जल्दी हो जाएगा, फिर बिरयानी की मतलब रखेंगे। ये देखिए हमने इसमें, तो अभी हमने लेयर कर दिए है, चावल डाले, फिर अभी इसके ऊपर हमने ये पूरा मलाई सीख जो ग्रेवी बनाए थे उसके ऊपर हमने रख दिए हैं। और अब इसके ऊपर फिर से चावल की एक और लेयर आएगी। अब अभी हमने इधर कोयला रखे हैं फायर के लिए, और आज मौसी नहीं आ रही था, आज मेरी बाजी बर्तन धो रहे हैं, हेल्प हो गई मेरी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। इसके अंदर हम कोयले का स्मोक देंगे, और झाड़ू पोछा मेरी भांजी ने कर देखो, मेरी भांजी ने झाड़ू पोछा कर दी थी और मेरी बाजी बर्तन धो रही है, और मैंने बिरयानी बना ली। तो हम लोग ने मिल बांट के काम कर लिए तो हो गया है ना। तो गाइस हमारा दोपहर का खाना सब हो गया था, और अब हम निकल गए हैं गार्डन के लिए जो थाना में अभी न्यू गार्डन खुला है। तो हम लोग, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इधर आने की, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे क्योंकि ये गार्डन इतना बड़ा है कि इधर इसमें चलना पड़ता है और वो नहीं चल पाते इतना। तो मेरी सिस्टर लोग आए थे तो हमने सोचा चलो ये गार्डन में आते हैं और ज़रा देखते इधर कैसा है ये। तो आज तुम लोग भी देख सकते हो कैसा है ये गार्डन। मामू से पहनो, तो हमें तो ये गार्डन बहुत ही अच्छा लगा था और हमारा हो गया था घूमना, फिर हम अभी घर के लिए निकल रहे थे। इधर रिक्शा मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल रहे थे। और बाजी और को भी जाना था मीरा रोड, तो इसलिए हम लोग फटाफट इधर से निकल रहे। अशरफ अल्लाह हाफिज। अभी हमारे मेहमान जा रहे हैं अपने अपने घर, और अशरफ भी जा रहा है, और इधर मरियम रो रही। तो दो दिन बाद तू भी आना, दो दिन बाद आना। बाय मरियम, टाटा, बाय बाय, टाटा। अरे अरे अरे, बाय अशरफ,
चलो अल्लाह हाफिज। मस्ती नहीं करना बेटा। हे गाइस, तो अभी सब मेहमान हमारे चले गए और अशरफ भी चला गया था। काफ़ी टाइम से वो जिद कर रहा था जाने की और मेरे को भी जाने का था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे को अभी डॉक्टर के दिखाना था, तो इस वजह से मैं गई नहीं। मैंने कि डॉक्टर के पहले जाके मैं दिखा कर आऊँ, फिर मैं जाऊँगी। तो बस अभी इधर ही वीडियो हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। इंशाल्लाह।